जहाँ दोस्तों जहाँ जहाँ झारखंड जय झारखंड, मैं कुदस चितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। भी रांची विधानसभा के पास में हूँ आज 2 अगस्त, और यहाँ पर जो तमाम आंदोलनकारी यहाँ पर हमारे साथ में। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं और जोहार करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र महतो। कहाँ के रहने वाले? ऐसे तो हम यहाँ अभी टाटीसिला में रहते हैं, लेकिन कोलकाता में नौकरी करते थे, वहाँ पे। फिर आज जो है रांची आज यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, तो ये झारखंड 1932 का अभियान का हम समर्थन करते हैं, और ये खतिया आंदोलन जो है एक हमारे यहाँ लोगों के बेसिकली हम लोगों की पहचान है कि हम लोग आज 32 खतियान के हम लोग हैं कि नहीं। स्थानीय मतलब हम झारखंडी निवासी सभी लोग हैं। जो रघुवर दास का जो नीति है उसके हिसाब से 1985 के बाद जो भी है सब स्थानीय है, लेकिन हम लोग का जो झारखंड आंदोलन हुआ था, जिस कारण से आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन का मकसद क्या था कि यहाँ के लोग जो बहुत पुराने जो 32 से या 1900 से रह रहे हैं उन लोगों के लिए हक था, लेकिन वो अधिकार मिला नहीं। इसी के लिए आज आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए आए हुए आंदोलन आज यहाँ पर आए हैं। तो क्या देख रहे हैं, किस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि जो ये आंदोलन आज यहाँ पर हो रहा है, क्या इससे में क्या होने वाला है? ये आंदोलन जयराम महतो का नेतृत्व में पिछले 6-8-10 महीने से हम इनको फॉलो कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि धनबाद बोकारो से लेते हुए आज कोलान से लेकर रांची हर जगह में आंदोलन आ गया है। ये आंदोलन खाली अभी छोटा सा रूप नहीं रह गया, आंदोलन बहुत बड़ा रूप हो गया। हम लोग जब आ रहे थे 10 जगह से पुलिस हर रोड में पुलिस रोक रहा है, तो पुलिस को प्रशासन को भी यह डर है कि नहीं भाई अभी आंदोलन बहुत बड़ा बृहद रूप ले रहा है, वो लोग चाहता है कि पहले से तोड़ दिया जाए। तो यहाँ 1928 क्या लग रहा है, जो यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है इसका आपको जो फल जो है या परिणाम बोल सकते हैं, क्या निष्कर्ष इसका निकल सकता है, कैसे क्या लग रहा है? देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है, पिछला बार विधानसभा सत्र में आंदोलन हुआ था, घेराव हुआ था। उस घेराव में भी देखा गया था कि भाई सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो विपक्ष में है, सभी लोग इसका मुद्दा को उठाए थे, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी मुद्दा को उठाएंगे। और सरकार को इस बात का डर है, क्योंकि जेएमएम सरकार जो है जो कि उनका उन लोग अपना डिमांड अपना वो रखे थे चुनाव से पहले कि 32 का खतियान लागू करेंगे, आज लागू नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उम्मीद यही है कि इसका रिजल्ट यह निकालना चाहिए कि विधानसभा में लोग उठाएंगे और इस बात को रखेंगे, यही उम्मीद है। यहाँ झारखंड की युवाओं को या झारखंड की जो है तमाम झारखंडी आदिवासी मूलवासी जो है यहाँ के जो झारखंड मतलब निवासी हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश यही है कि इस आंदोलन से जुड़िए, अगर इस आंदोलन से जुड़ेंगे तभी जाकर, क्योंकि स्थानीय नीति नहीं रहेगा, नियोजन नीति नहीं रहेगा, तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? नौकरी मिलने के लिए तो भाई आप लोगों को यहाँ क्लास 3 क्लास 4 में कम से कम तो सीट यहाँ रिजर्व हो, अगर ये भी सीट रिजर्व नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से नौकरी मिलेगा? तो इसीलिए यहाँ के युवाओं को है कि आप लोग आंदोलन से जुड़े, यही संदेश है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। ये रहा रांची का नया विधानसभा, इधर से लोग अभी आ रहे हैं, अभी भी आना जाना हो ही रहा है। और इधर जो है धरना प्रदर्शन किया गया है खतियानी सत्याग्रह आंदोलन का, वो उधर है, उधर ही अभी चलते हैं। जो सरदार लोग बैठे हैं,